वालेकुम, हाय हेलो प्रीवित, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू इको मेडिको सरादर ब्लॉग। अभी मैं 100 नंबर मशहूद का मैं बैठ चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ अखम बायवा पर। एटीएम से पैसे निकलवाने थे मुझे, तो मेरे एरिया के जितने भी कैसी भी बैंक थे उनकी टेम्प्रेरी सर्विस बंद थी, तो इस वजह से अभी मैं जा रही हूँ अखम बायवा पर। तो मैंने सोचा कि आपको भी शेयर करती हूँ। और आज मौसम भी बड़ा औसम है, आज फिर से बिश्केक रैनी रैनी है। तो फिर चलने से पहले जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पर न्यू है उन सबको वेलकम। किया सब्सक्राइब पक्का ना? तो फिर चलते हैं। ये सड़कें कभी बर्फ से ढापी हुई होती हैं, तो कभी बारिश के पानी में गीली, कभी चांद की रोशनी में चमकती हैं, तो कभी सूरज की तपती हुई धूप में जलती हैं। खैर, मौसम है, वक्त के साथ बदलती रहती है, लेकिन काश कोई इंसान न बदले इस मौसमों की तरह। और मेरी दुआ है कि आपके प्यारे इन मौसमों में हमेशा आपके साथ हों। खैर, बातें तो होती रहेंगी। अभी मैं पहुंच चुकी हूं अखम बायवा पर, फिर चलकर देखते हैं कि कैसे भी अखम बायवा वाली ब्रांच टेम्प्रेरी सर्विस उसका भी बंद है या वो चल रही है। अगर वो बंद होगी तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है अलमा। तो फिर लेकिन अलमा जाने से पहले हम चलते हैं पहले अखम बायवा वाली ब्रांच पर, उसको चेक करते हैं। अगर वो चलती है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर एक मैक बर्गर पर भी है। अगर वो वाली भी नहीं चलती तो फिर ऑफकोर्स हमें अलमा पर जाना पड़ेगा। तब तक आप भी इंजॉय करें मेरे साथ इस वेदर को। अभी हुए हैं 7:15 इस ऑलमोस्ट, और मुझे पूरा एक घंटा लगा है इस बैंक के चक्कर में। अखम बायवा वाली ब्रांच की भी टेम्प्रेरी सर्विस लॉस है, तो फिर अब चलते हैं अलमा पर। लेकिन उससे पहले एक मैक बर्गर की ब्रांच आती है, उसको चेक करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी सही होगी, क्योंकि वेदर में इनके कैसे भी बैंक्स की जो छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं उनकी टेम्प्रेरी सर्विसेज लॉस होती हैं। ये मेड सेंटर है हॉस्पिटल, यहाँ पर हमारी सेकेंड सेम में क्लासेस लगती थी हॉस्पिटल की। अखम बायवा पर बहुत सारे मनी एक्सचेंजर और उसके अलावा बिश्केक में जितनी भी बैंक हैं उन सब की ब्रांचेस यहाँ पर मौजूद होती है। तो जो भी अगर टूरिस्ट यहाँ पर आना चाहते हैं, ट्रैवलर या न्यू स्टूडेंट जो आते हैं, उनको पता नहीं होता, उनको मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर अगर आपको मनी एक्सचेंज करवाने हैं डॉलर से सोम में या कोई और भी करेंसी, और उसके अलावा अगर किसी बैंक में एटीएम वगैरह यूज़ करना है, तो यहाँ पर आपको वो सारी बैंक मिल जाएंगी। और यहाँ पर आपको मनी एक्सचेंजर भी बहुत सारे मिलेंगे। प्रीवियस व्लॉग में आपकी मोहब्बत देखकर, आपका प्यार देखकर, और आपने इस व्लॉग को बहुत पसंद किया और आपके प्यारे प्यारे कमेंट देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ है, शुक्रिया दिल से। और आप सबकी हाईली डिमांड आई है कि मेक्रियन पर और वीडियोस बनाए जाए, उसको और एक्सप्लोर किया जाए, तो इंशाल्लाह मैं और वीडियोस लेकर आऊँगी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में प्रॉमिस किया था कि मेक्रियन के और वीडियोस लेकर आऊँगी, तो इंशाल्लाह वो भी सब वीडियोस आएंगे। और यूँ ही सपोर्ट करते रहें अपनी इको मेडिकोस को। अगेन मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को हार्टली थैंक्स बोलूँगी, थैंक यू सो मच आपके प्यार का, आपके सपोर्ट का। मैं पहुंच चुकी हूं मैक बर्गर पर, और ये मैक बर्गर है। यहाँ पर आपको पाकिस्तानी टेस्ट मिलेगा, और यहाँ पर चेक करते हैं कि कैसे भी की यहाँ पर भी टेम्प्रेरी सर्विसेज लॉस है कि अभी तक चली वो सामने कैसे भी है। तो फिर चलते हैं और चेक करते हैं। पहुँचते पहुँचते बारिश हो गई है तेज़, और मेरे ग्लासेस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश कितनी तेज़ हो गई है। मेरे फोन्स ग्लासेस सब गीले हो गए बैंक के चक्कर में। अब ये मेक बर्गर वाली ब्रांच की भी टेम्प्रेरी सर्विसेज लॉस है, तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है अलमा का। तो फिर वहाँ चलते हैं। ओ सो क्यूट, इज़ इट अलाइव और नॉट, कमेंट में बताएं।
शुक्र है अलमा वाली ब्रांच ओपन थी और वहाँ से मैंने पैसे निकलवा लिए हैं। तो फिर यहाँ से दीजिए मुझे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। बारिश भी बहुत तेज़ हो चुकी है, बारिश का व्लॉग आपके लिए बहुत इंजॉयबल रहा होगा। तो फिर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।